आज हम कुछ विशेष संतत या यादृच्छिक चरों के विषय में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने देखा कि असंतत यादृच्छिक चरों के संदर्भ में द्विपदीय बर्नौली यादृच्छिक चर, द्विपदीय यादृच्छिक चर एवं पॉइजन यादृच्छिक चर महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार हम संतत यादृच्छिक चरों के विषय में चर्चा करेंगे एवं यह देखेंगे कि कौन से संतत यादृच्छिक चर किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ जो पहला यादृच्छिक चर हमारे पास आता है वह है समरूप यादृच्छिक चर अथवा यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। समरूप यादृच्छिक चर अथवा यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, यह किसी भी यादृच्छिक चर को अंतराल भी अंतराल ए बी पर समरूप बंटित कहा जाता है जब उस यादृच्छिक चर एक्स के लिए किसी भी यादृच्छिक चर एक्स का घनफल फलन शून्य अन्य सभी अर्थात यदि मैं इसे चित्रित करूं तब ए यह ए से बी के बीच बीच से बंटित होगा अथवा इसका घनत्व ए से बी के बीच एक समान ही रहेगा। तत्पश्चात उससे पूर्व एवं उसके बाद इसका प्रायिकता घनत्व फलन बदलेगा। यह देखना हमारे लिए सरल है कि इस स्थिति में इसका बंटन फलन कुछ इस प्रकार होगा एवं प्रायिकता जहां अल्फा बीटा ए बी का एक उपसमुच्चय है इसी प्रकार
अर्थात ए और बी का औसत, जो कि सहज बुद्धि द्वारा स्वीकार्य है। इसी प्रकार है, इसके द्वारा इसका प्रसरण निकालना सरल है। अब हम अगले यादृच्छिक चर के विषय में चर्चा करते हैं, जो कि शायद इस कोर्स में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण यादृच्छिक चर है, जो कि है गाउसियन चर। हम एक यादृच्छिक चर एक्स को मापदंडों म्यू सिग्मा के साथ गाउसियन बंटित कहते हैं, जब एक्स का प्रायिकता द्रव्यमान फलन एफ एक्स एक्स होता है, एक्स बराबर है 1/2 पाई घात ई घात यह देखा गया है कई भौतिक यादृच्छिक परिभाष, जैसे एक में लोगों का भार लंबाई अथवा ऊंचाई, इसे जो भी आप कहना चाहें, किसी गैस में बंटन अणुओं गति का बंटन किसी पेड़ से गिरने वाले अवस्था बंटन, यहाँ तक कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बंटन भी। यह सभी बंटन कुछ कुछ गौसियन यादृच्छिक चरों द्वारा दिखाए जा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह सब भौतिक प्रतिभास, यह सब भौतिक क्रियाएं गौसियन यादृच्छिक चरों द्वारा कैसे दिखाई जा सकती हैं, और गौसियन यादृच्छिक चरों द्वारा कैसे समझाई जा सकती हैं, यह हमें केंद्रीय सीमा प्रमेय अथवा सेंट्रल लिमिट थ्योरम, यह हमें केंद्रीय सीमा प्रमेय अथवा सेंट्रल लिमिट थ्योरम द्वारा समझ में आएगा, जो कि इस कोर्स में होने वाले अंतिम विषयों में से एक होगा। अथवा यह सब क्यों होता है अथवा कैसे होता है, इस चर्चा को अभी हम कुछ समय के लिए टाल देते हैं। अभी हमारा पहला ध्यान इस बात पर होगा कि एक गाउसियन यादृच्छिक चर किस प्रकार का व्यवहार करता है। अब जैसा कि हम करते आए हैं,
अब हमें यह सिद्ध करना है इसे यह एक बंटन फलन है। हमने यह सिद्ध करना है कि यह एक प्रायिकता बंटन फलन है, अर्थात अनंत से अनंत हमें यह सिद्ध करना है, अर्थात अनंत से अनंत यह हमें सिद्ध करना है। अब हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे वह हम आरंभ करते हैं। हमें यह इंटीग्रल यह समाकलन आई निकालना है। मान लीजिए u बराबर है u बराबर है यह x माइनस म्यू बटे सिग्मा, अर्थात डी यू बराबर है डी एक्स बटे सिग्मा, अर्थात x माइनस म्यू बटे सिग्मा बराबर है u वर्ग। अब मैं लिख सकता हूँ i बराबर है एक बट अर्थात आई वर्ग बराबर है यह एक बटे दो पाई यू कहा था तो इसे यू ही लिखते हैं। यू यह माइनस अनंत से अनंत वी वर्ग बटे दो डी वी डी यू एवं डी वी इसे मैं लिख सकता हूँ एक बटे दो पाई अनंत से अनंत जमा यू वर्ग जमा वी वर्ग बटे दो डी यू डी वी यह है। अब दो समाकलन अब मान लीजिए यू बराबर है आर कॉस थीटा वी बराबर है आर साइन थीटा एवं अब हम अर्थात हम कार्टेशियन प्रणाली से ध्रुवीय हम कार्टेशियन प्रणाली अथवा कार्टेशियन सिस्टम से पोलर सिस्टम अथवा ध्रुवीय प्रणाली की ओर जा रहे हैं। हम यह आपके प्रथम वर्ष के गणित के कोर्स में सिद्ध किया गया होगा, इसलिए इसे मैं सिद्ध नहीं कर रहा, किंतु यदि हम
कार्टिजियन प्रणाली से ध्रुवीय प्रणाली की ओर जाते हैं तब यह हमने प्रथम वर्ष के गणित के कोर्स में सीखा होगा एवं मैं इसका विस्तृत प्रमाण नहीं दूंगा। अब इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम देख सकते हैं I वर्ग बराबर है शून्य से अनंत, शून्य से 2π r, क्योंकि यह सिद्ध करना सरल है। अब क्षमा कीजिएगा, दो पाई और 2π कट गया, शून्य से अनंत r, ये अब t बराबर r² / 2, यह रखने पर dt बराबर rdr एवं I वर्ग बराबर शून्य से अनंत अर्थात I बराबर 1, अर्थात यह एक मान्य यादृच्छिक चर है। कल हम एक गौसियन यादृच्छिक चर का मध्यमान एवं प्रसरण निकालेंगे। धन्यवाद।